दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं डेली यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ लाइब्रेरी की वैकेंसी और ट्रेनिंग के लिए। मैं डेली दोस्तों की वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आज जो वैकेंसी निकल के आई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय से निकल के आई है, और इसमें जो आपको देख रहे हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट निकल के जो आई है 9/8/2023 को निकल के आई है। उसका जो लास्ट डेट है 30 अगस्त रहने वाली है, ठीक है। 30 अगस्त से पहले आपको उसको अप्लाई कर देना है। इसमें दो तीन तरह के वैकेंसी निकल के आई है। इसमें पहला है डिप्टी लाइब्रेरियन का निकल के आई है, ठीक है, और फिर नीचे आपको दिखेगा नीचे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का निकल के आई है, ठीक है, और एक है बस दो वैकेंसी निकल के आई है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन में निकल के आई टोटल 35 वैकेंसी है और डिप्टी लाइब्रेरियन में टोटल 8 वैकेंसी। तो आप चाहें दोस्तों तो इसमें अच्छे मौका है, आप दिल्ली में रह के लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं और अच्छे खासे सैलरी पर आप देखिए सकते हैं। यहाँ पर सैलरी कितनी बढ़िया दी गई है, लेवल 13 का पे है और यहाँ लेवल 10 का पे दिया हुआ है। तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसमें आसानी से हो भी जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम लेवल रहता है अच्छे खासे रहते हैं, ठीक है। आपको इसमें कैसे क्या करना है आपको मैं बता दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको फॉर्म को भरना है और कितना चार्ज लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, मैं आपको सारे इस वीडियो में थोड़ा बताऊँगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट PDF, इसके टोटल 4 PDF है। मैं चारों का आपको बेसिक से बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर ये आपको यहाँ देख लीजिए, इसमें आपको दिखाया गया पोस्ट दिखाया गया है और आपको डेट बताया गया लास्ट डेट कब तक है। फिर जो नेक्स्ट PDF इसका है उसमें आपको क्या है बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पोस्ट निकल के आया है, तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो इसमें पोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले में, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें आपको जो लिखा हुआ है टोटल जो एग्ज़ामिनेशन का होने वाला है, कैसे एग्ज़ाम होने वाला है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन है और 400 मार्क्स का है, मतलब आपको एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो कहा जा रहा है कि जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है 2 घंटे का दिया गया है, इसमें कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा आपको वहाँ दे दिया, यहाँ नीचे दिया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 तो 120 मार्क्स का, यहाँ 70 तो यहाँ 280 मार्क्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है इसमें आपका, और यहाँ पे जो सिलेबस आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ सिलेबस दोनों आपको देख लेना है। मतलब आपका मेन पेपर आपको 70 नंबर का होगा, बाकी जनरल पेपर आपको 30 नंबर का होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, सिलेबस से नीचे आपको सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आप उस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाई कर लेना है पूरा। आपको मेन पेपर जो रहने वाला लाइब्रेरी साइंस रहने वाला है और जनरल पेपर में बाकी हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी आपके रीजनिंग सब आता है वो सारा आपका चीज़ इसमें रहने वाला है, ठीक है। और फिर इसमें आप देखिएगा आगे क्या है, और जो दोस्तों यहाँ निकल के और जो निकल के जो यहाँ पे आई है डिप्टी लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है ना, डिप्टी लाइब्रेरियन का जो पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर मास्टर्स होना आपका ज़रूरी है। अगर आप MLIS किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए आपको सिर्फ बिलिस चाहिए और इसके लिए आपको MLIS की ज़रूरत है, ठीक है। MLIS होना चाहिए प्लस आपको 50% या 55% मार्क्स होना भी चाहिए, ठीक है, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से। फिर आप कह रहे कि अगर PhD होल्डर है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं। फिर आपको ICT की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका इसमें कहा जा रहा है कि एज लिमिट इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपके किसी भी आपके एज है 30+ है या फिर 40+ है आपको कोई मायने नहीं रहता है, आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं कि इसमें कितना सैलरी तो पता चलेंगे, कितना इसमें चार्ज लगने वाला है, इस दोनों पोस्ट के लिए कितना चार्ज आपको पे करना होगा वो आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3rd PDF में आ गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल OBC और जो भी कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपये लगने वाला है और OBC के लिए 800 रुपया और SC ST के लिए 600 रुपया। मतलब किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनी अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको जो अगर आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको जनरल के लिए 1000 लग जाएगा और OBC IEWS के लिए लग जाएगा आपको 800 रुपया, बाकी SC ST PW के लिए 600 रुपये लगेगा। तो अधिकतर लोग जनरल के होते हैं और OBC के होते हैं, तो आपको देख लेना है कि यहाँ पर आप किस कैटेगरी में पाते हैं और आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों इस फॉर्म को जरूर जरूर भरिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है और दिल्ली की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है और आपको अच्छे खासे यहाँ सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उम्मीद करेंगे उससे कि आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करने का जो डेट है वो उसको बता ही दिया हूँ मैं कि लास्ट 30 तक इसका डेट है, और इसको भरिएगा जरूर जरूर दोस्तों, और एग्ज़ाम में बैठिएगा। एग्ज़ाम बैठने के बाद आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करना है, फिर आपकी जॉब वैकेंसी जॉब आपकी इसमें हो जाएगी, ठीक है।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।